मोहम्मद रिजवान या शादाब खान, क्या पाकिस्तान का T20 कैप्टन अब बदलने वाला है? क्योंकि जब से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को हराकर अपना तीसरा टाइटल जीता है, अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की टीम अपने ही बनाए जाल में धीरे धीरे फंसने की ओर बढ़ रही है। क्योंकि इस कहानी की शुरुआत हुई थी वर्ल्ड कप 2023 में, जब बाबर आजम को इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया गया कि उन्हीं की धीमी बल्लेबाजी और खराब कप्तानी की वजह से टीम टूर्नामेंट के नॉकआउट्स तक भी नहीं पहुंच पाई और पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। कई एक्सपर्ट्स का ये मानना था, कई फैंस का भी ये मानना था, इवन इंटरनल टीम मेंबर्स का भी ये मानना था कि बाबर आजम ही वो वजह थे कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंच पाई वर्ल्ड कप 2023 के, जिसके बाद काफ़ी प्रेशराइज किया गया उन्हें और फाइनली जहां बाबर आजम से उनकी कप्तानी छीन ली गई और शादाब खान से उनकी वाइस कैप्टनसी चली गई, जिसके बाद पाकिस्तान को तलाश थी दो नए कप्तानों की, जो कि बने टेस्ट क्रिकेट में शान मशहूद और T20 क्रिकेट में बने शाहीन शाह अफरीदी। अब सवाल यह है कि आखिर शाहीन शाह अफरीदी T20 क्रिकेट के कप्तान कैसे बने? तो वो ऐसे बने कि पिछले दो सीजन में जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के खेले गए, वहां पर शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में लाहौर कलंदर्स ने लगातार दो टाइटल जीते और जिस वजह से शायद PCB को ये भरोसा हो गया कि शाहीन ही वो चॉइस हैं जो कि आगे चल के पाकिस्तान को इस फॉर्मेट में लीड कर सकते हैं। और इसके साथ शान मशहूद को मिली टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी, तो सबसे पहले ऐसा लगता है कि शान मशहूद तो अभी भी टेस्ट क्रिकेट के जोन में ही है, क्योंकि पूरा PSL खत्म हो चुका है लेकिन इस बल्लेबाज के बल्ले से सिर्फ एक छक्का आया पूरे टूर्नामेंट में। इसके अलावा आप उनका स्ट्राइक रेट देखिए, वो लगभग 100 के आसपास नजर आएगा। ऐसा लगता है कि वो टेस्ट क्रिकेट के जोन से बाहर ही नहीं आ पाए और कोई बताना भूल गया उन्हें शायद कि ये T20 क्रिकेट है ना कि टेस्ट क्रिकेट। लेकिन चलिए आज बात नहीं करेंगे शान मशहूद की, आज बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी की, क्योंकि जो सबसे पहला बड़ा असाइनमेंट था इस खिलाड़ी का वो था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 मैचों की T20 सीरीज। इस सीरीज के लिए कप्तान थे शाहीन अफरीदी और वाइस कैप्टन थे मोहम्मद रिजवान। एक नए कैप्टन और वाइस कैप्टन की अगुवाई में ये टीम गई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज खेलने और 4-1 से इस टीम को शिकस्त झेलनी पड़ी। बहुत बड़ी हार थी क्योंकि इससे पहले लंबे समय में नहीं हुआ था कि पाकिस्तान की टीम को इतने शर्मनाक तरीके से एक सीरीज में हार मिली हो, और इसमें भी शुरुआती 4 मैचेस तो पाकिस्तान पहले ही हार गई थी, आखिरी मैच जाकर पाकिस्तान को जीत मिली। इसलिए इसके बाद कई सवाल उठे कि क्या शाहीन शाह अफरीदी सच में अभी तैयार हैं पाकिस्तान की कप्तानी करने के लिए। इसके बाद PSL का नया सीजन शुरू हुआ और ये जो दावेदारी थी, चाहे बाबर आजम की कहें, शादाब खान की कहें, मोहम्मद रिजवान की कहें, सभी को खुद को प्रूव करने का एक बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि अब ये बात तो जाहिर सी है कि आपने शाहीन को कप्तानी दी थी PSL के बेसिस पर, क्योंकि उन्होंने दो टाइटल्स लाहौर को जिताए थे। लेकिन अब क्या, क्योंकि बाबर आजम की टीम चलिए बाहर हो गई लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की लाहौर कलंदर्स इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच जीती, और इसके अलावा शुरुआती लंबे समय तक तो उन्हें पहली जीत का इंतजार रहा, जिसके बाद एक मैच में बारिश हुई और उस वजह से उन्हें पहला पॉइंट मिला, जिसके बाद ये पूरी टीम खेले गए सभी मैचेस में से सिर्फ एक मैच जीत पाई और प्लेऑफ से बाहर होने वाली पहली टीम बनी। जिसके बाद एक बार फिर ये सवाल उठने लगा है कि जिस शाहीन शाह अफरीदी को आपने PSL के बेसिस पर कप्तान बनाया था, क्या PSL के बेसिस पर ही आप उन्हें कप्तानी से हटाएंगे? क्योंकि अब दो बड़े दावेदार आपके सामने आ चुके हैं। एक तरफ है मोहम्मद रिजवान, जो कि पिछले 3 या 4 सीजन से लगातार मुल्तान सुल्तान को फाइनल में लेकर आए हैं। एक सीजन जीता है, 3 सीजन जरूर हारे हैं, लेकिन इस सीजन की बात करिए, टीम टूर्नामेंट की सबसे अच्छी टीम थी और टॉप पर फिनिश किया, सीधा फाइनल में भी पहुंची। वो अलग बात है कि फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मोहम्मद रिजवान एज अ कैप्टन स्टैंड आउट रहे। दूसरी तरफ है शादाब खान, जो कि अब PSL की हिस्ट्री में इस्लामाबाद को 3 टाइटल जिता चुके हैं। इस सीजन की बात करें तो इस्लामाबाद के लिए भी बहुत अच्छा सीजन था। शादाब खान ने एज एन ऑलराउंडर खुद को प्रूव किया, एज अ कैप्टन खुद को प्रूव किया और हर तरह से ये साबित कर दिया कि वो लीड करने की क्वालिटी शादाब खान के अंदर भी है। और ये सीजन जीतने के साथ तीसरा टाइटल उन्होंने इस्लामाबाद को जिता दिया और अब कंटेंडर तो वो भी बन गए हैं, क्योंकि मान लिया कि वर्ल्ड कप के बाद उनकी वाइस कैप्टनसी चली गई थी, लेकिन कप्तान तो दोबारा बन सकते हैं, क्योंकि शाहीन भी तो कप्तान ऐसे ही बने थे। आपने लाहौर कलंदर्स को टाइटल जिताए 2-2, इसलिए कप्तान बन गए शाहीन शाह अफरीदी। तो मोहम्मद रिजवान भी कंसिस्टेंट है, 4 साल से फाइनल वो भी खेल रहे हैं, कंसिस्टेंट शादाब खान भी है, क्योंकि शादाब खान भी अब 3 टाइटल जिता चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को। तो अब सवाल पाकिस्तान की टीम से यही है कि या जो क्राइटेरिया है आपका, कि आपने जो टेस्ट का कैप्टन डिसाइड किया शान मशहूद, वो एक अलग चीज थी, लेकिन आपने बाबर आजम को हटाया, शाहीन शाह अफरीदी को बनाया, क्योंकि आपको लगा कि PSL में उन्होंने बेहतर तरीके से लीड किया तो वो पाकिस्तान को भी कर सकते हैं, लेकिन पहला असाइनमेंट में वो फ्लॉप रहे। न्यूजीलैंड में वो 4-1 से हार कर वापस आ गए। इसके बाद PSL की शुरुआत हुई और वहां पर आपको अब दो ऐसे कप्तान मिल चुके हैं जो कि एक कप्तान 4 साल से फाइनल खेल रहा है और एक कप्तान 3 बार ट्रॉफी जीत चुका है। अब
यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अब फाइनली पीएसएल फिर से कुछ बड़े फैसले लेने वाला है, या कहें पाकिस्तान की टीम पीएसएल के बाद कुछ बड़े फैसले लेने वाली है? और जिस तरह से वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया था, क्या आप शाहीन शाह आफरीदी को इस फ्लॉप सीजन के बाद कप्तानी से हटाया जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो नया कप्तान पाकिस्तान का कौन बनेगा? क्या वो शदाब खान होंगे या फिर वो होंगे मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान? आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।